हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक विथ अनदर लेक्चर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डेरिवेशन मीन्स हाउ टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक चार्ज। मीन्स एक इलेक्ट्रिक चार्ज है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एक पॉइंट पे, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेक्चर नहीं देखे वो प्रीवियस लेक्चर देखिए, तब समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो डायग्राम में और जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लेट प्लस क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज बी प्रेजेंट एट पॉइंट पी एट पॉइंट ओ। एक प्लस क्यू चार्ज ओ पॉइंट पे रखा गया है, ठीक है। पी इज़ ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम पॉइंट ओ इन द इलेक्ट्रिक फील्ड टू दिस इलेक्ट्रिक चार्ज वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इज टू बी डिटरमाइंड। अब पी जो है एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पी पॉइंट रखा हुआ है, ठीक है। और इसका डिस्टेंस ओ से कितना है डिस्टेंस, उसका आर डिस्टेंस पे है। ये आर डिस्टेंस पे पी है, किसके साथ, ओ के साथ, ठीक है, जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करना है। और देखो ओ से पी एन, ये एक पी एन पॉइंट है, एक पॉइंट लिए है, तो ओ से लेकर पी एन जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर एन है, जो इन्फिनिटी के इक्वल, मीन्स ये इन्फिनिटी से एक पॉइंट है, ठीक है। फिर उसके बाद नाउ लेट अस टेक ए पॉइंट ए बिटवीन पॉइंट्स पी एंड पी एन। अब एक ए पॉइंट लेते हैं पी और पी एन के बीच का, ये एक पॉइंट। उसके बाद एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम पॉइंट ओ, ओ पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे ए का एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है। मीन्स ए और ओ के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, एक्स होगा। बी इज़ एन अनदर पॉइंट एट अ डिस्टेंस डी एक्स फ्रॉम पॉइंट ए, और ए पॉइंट से डी एक्स डिस्टेंस में बी दूसरा पॉइंट हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। उसके बाद देयरफॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ए। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, जो यूनिट चार्ज हम रखे हैं ए पॉइंट पे, ठीक है, क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ए। यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो ए पॉइंट पे जो हमको फील होगा वो क्या होगा, एफ इज इक्वल टू क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू एक्स स्क्वायर। ये कूलम्स लॉ है ना। तो यहाँ पर ये चार्ज है, चार्ज क्यू के वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है ना, जो फोर्स है, सॉरी नॉट इंटेंसिटी, फोर्स है वो कितना लगेगी, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो एक्स स्क्वायर है, दैट्स वाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर। ये होगी इक्वेशन वन। दस द वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी। हम क्या कर रहे हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, मीन्स इन्फिनिटी से एक पार्टिकुलर पॉइंट पे जब हम चार्ज को लाते हैं तो जितना काम होता है, जितना वर्क डन होता है, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर है, हम लोग क्या करते हैं, पहले एक छोटा सा पॉइंट के बीच का वर्क डन निकालते हैं, उसके बाद पूरा का यहाँ से यहाँ तक का हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर हम लोग ए से बी तक लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स के लिए एफ और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी एक्स है, ठीक है। तो डी एक्स, ये माइनस का साइन, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए ये माइनस हो गया। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ का जो वैल्यू है इक्वेशन वन से यहाँ पुट कर दिए और डी एक्स वैसे ही लिख दिए। अब टोटल अमाउंट, अब पी से पी एन तक, मीन्स पी एन सॉरी पी से पी एन तक, जो मीन यहाँ से यहाँ तक का अगर हम चार्ज को लाने में वर्क डन जो हो रहा है वो पूरा डिस्टेंस के लिए क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन में देखो किस तरह से होता है इंटीग्रेशन, डी डब्ल्यू था यहाँ इंटीग्रेशन, या यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक, आर टू आर, आर एन से आर तक। क्यों, क्योंकि पी पॉइंट का जो ओ से डिस्टेंस था वो आर था, तो आर से स्टार्ट होगा, और पी एन तक का पॉइंट जो था वो कहाँ था, आर एन तक था, ठीक है। तो आर एन से आर तक, माइनस क्यू जो वैल्यू है उसको यहाँ पर रखा हुआ है, लिखा हुआ है। अब जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पर बाहर लिख देते हैं, और जिसको डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि चेंज क्या हो रहा है, मेरा डिस्टेंस चेंज हो रहा है, पी से पी एन तक हमको चाहिए, हम तो ए से बी का जो डिस्टेंस था वो डी एक्स था, अब हमको टोटल डिस्टेंस चाहिए एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है, वेरिएबल है, तो इसको हम लोग यहाँ पर रख दिए। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन में देखो क्या होता है, इस तरह से इंटीग्रेट करते हैं, वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वन बाई एक्स स्क्वायर है तो इसको कैसे लिखेंगे, वन बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, वेट लेट मी टेक अनदर पेन, हाँ
तो वन बाई एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, जो एक्स स्क्वायर है उसको ऊपर ले जाते हैं इस तरह से, ठीक है। ये ऊपर आ गया, हमको इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो ये वैल्यू रहता है उसको क्या करते हैं, वही वैल्यू से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक प्लस वन कर देते हैं, ठीक है। तो एक्स के पावर में कितना आएगा, माइनस टू है ही, वन ऐड कर देते हैं तो प्लस वन, राइट। और यही वाला सेम हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, माइनस टू प्लस वन। तो देखो एक्स के पावर में माइनस टू प्लस वन मीन्स एक्स के पावर में माइनस वन, और यहाँ माइनस टू में वन माइनस करेंगे तो माइनस वन। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस और एक्स का पावर में इन्वर्स है, मतलब एक्स के पावर में माइनस वन है तो वन बाई एक्स लिख सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा किसका, वन बाई एक्स स्क्वायर का। और जो लिमिट है आर एन था और यहाँ पर आर था, ये लिमिट को यहाँ पर से लिखती है। तो ये वाला टर्म आ गया मेरा। अब क्या करना है, माइनस इंटू माइनस, माइनस को बाहर ले लिए तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये वैसे ही रहा। एक बार हम अपर लिमिट पुट करते हैं, तो एक्स की जगह आर पुट किए, वन बाई आर, फिर माइनस होता है, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, राइट। तो वन बाई आर, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, आर एन, और आर एन का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी है, राइट। और वन बाई इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है, तो इसके जगह हम क्या पुट कर देंगे, ज़ीरो। देयरफॉर डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू बाई फोर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, वन बाई आर हो गया और माइनस, और इसके जगह ज़ीरो पुट कर दिए, ये तो हट गया। ये वाला हो गया डब्ल्यू इज इक्वल टू जो वर्क डन है टोटल क्यू बाई फोर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इन टू आर, दिस इज इक्वेशन टू। नाउ ये वर्क डन हो गया, और यही वर्क डन किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होता है। सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज वी इज इक्वल टू डब्ल्यू। सो जो वी है, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू का जो वैल्यू है उसको हम लोग पुट कर दिए, इक्वेशन थ्री। यही मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, राइट।